हमारे कान्हा की मुरली है, उस मुरली ने कहां कहां पे क्या करिश्मा दिखाया, कैसे कन्हैया ने जाकर अपनी बहनों की लाज बचाई, सुनते हैं इस भजन के माध्यम से। भक्तनी जाती है बाबा के दरबार में और कहती हैं, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, कलयुग के अवतारी बाबा, कलयुग के अवतारी बाबा, लाज रखियो मेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया तेरी, बाबा जी मैं तो लाई रे मोहन मुरलिया। कैसे बजी और कैसे करिश्मा दिखाया मुरलिया ने, सुनते हैं। बजी मुरलिया, बजी मुरलिया, कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया, बजी मुरलिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सिखाया, हो गया गांडीव हाथी उठाया, मोर ध्वज का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, कैसे कैसे मोर ध्वज ने अपने इकलौते बेटे को दान में दे दिया था, और जब कन्हा कन्हैया भेष बदल कर कन्हैया और अर्जुन राजा मोर ध्वज के द्वार पे गए थे तो साधु का भेष बना कर गए थे और साथ में भूखा शेर लेकर गए थे। राजा मोर ध्वज को ये कह दिया था जाकर कि हम दान तुमसे तभी लेंगे जब तुम हमारे तीन वचन भरोगे। राजा मोर ध्वज बड़े दानी थे, तीन वचन भर लिए और वचन भरवाकर राजा ने इकलौता पहले वचन में इकलौते पुत्र को दान में मांग लिया और दूसरे वचन में ये कह दिया कि इकलौते पुत्र को अपने आरे से छीड़ना होगा, दो फाड़ करनी होगी, और तीसरे वचन में ये कह दिया कि आरे से अपने पुत्र को छीरोगे तो राजा और रानी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कैसे मुरलिया ने कमाल दिखाया, कैसे क्या क्या करिश्मा करा, केवल आया जी मुरलिया रतनपुरी में जाके शेर जी माया, बजी मुरलिया रतनपुरी में जाके शेर जी माया, धीर ध्वज
जी के सिर पे पापा जा आरा चलवाया। बिहारी लाल की तीसरी बार मुरली कहां जाके बजी? हरनंदी को अच्छी तरह जानते होंगे, आप नरसी बात का किस्सा सुना होगा। नरसी सेठ था लेकिन बाके बिहारी जी के चरणों में सारी धन माया अर्पण कर दी। एक फकीरी बाना धर लिया और एक साधु बन गया। दूसरी तरफ हरनंदी की बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी आ गई। मनसा सेठ ने जो नरसी जी के समधी थे बहुत लंबी लिस्ट बनवाई सामान की कि ये सामान भात में आना चाहिए। हर नंदी कोठे में बढ़ के रोने लगी कि सासू मां ताने मत मारे कस कस के, अगर आज भाई होता ना तो तेरे ताने नहीं सुनने पड़ते। बहुत बढ़िया भैया। दूसरी तरफ नरसी भात भरने के लिए आता है, मोटो की पंचायत को लेकर आता है क्योंकि भाई बंद सब साथ छोड़ जाते हैं। जब पैसा पास होता है तो सब अपने होते हैं, जब पैसा पास नहीं होता तो सब नजदीकी भी दूरी बनाने लगते हैं। कोई नहीं आया, मोटो की टोल को लेकर आया और बिगड़ी का समय ऐसा था। मनसा सेठ ने जो नरसी का समधी था जहाँ पे बातियों को ठहराना था वहां नहीं ठहराया, गांव से बाहर गौशाला में ठहरा दिया। उस कन्हैया को पुकारता है नरसी कि ए कन्हैया तेरे ऊपर मैंने सब कुछ माल अपनी धन माया सब कुछ कुर्बान कर दी, आज मेरी बेटी का भात तू भरेगा। कैसे कन्हैया ने लाज रखी थी नरसी की और हरनंदी की, कैसे भात भरा क्या बताया। कंचन में ही बरसाया बजी मुरलिया सिरसागढ़ में, कंचन में ही बरसाया। नरसी भगत की ढेर सुनी तू खुद पटड़े पे आया। नरसी भगत की ढेर सुनी तू खुद पटड़े भरिया तने हर नंदी का भात भरिया नागरी श्याम तने तेरी बाबा जी मतलिया।
जल रही थी। अपनी माँ से पूछ बैठी कि माँ ये क्या है, तो माँ ने कही कि बेटी आज फलाने की बेटी की शादी है और ये बारात है, ये फलाने की बेटी का दूल्हा है। तब मेरा भाई छोटी थी, जब बच्चे छोटे होते तो अटपटे से सवाल करते हैं। न्यू पूछ बेटी अपनी माँ से कि माँ अगर ये दूल्हा उसका है तो मेरा दूल्हा कहाँ है। मीरा बाई की माँ ने कन्हैया जी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि ये तेरा दूल्हा है। उसी दिन से मीरा बाई ने कन्हैया जी को अपना पति मान लिया था और कन्हैया जी के नाम पे विष का प्याला भी पी गई थी, लेकिन वो विष अमृत में बदल गया था क्योंकि बाके बिहारी जी की कृपा थी। कैसे क्या बताया अंतिम खाटू न